नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ दरभंगा की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइन, 25 दिसंबर को एक दिवसीय शिक्षक संवाद सह जिला सम्मेलन की तैयारियां पूरी। CAA और NRC बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण रहा विरोध मार्च। डॉक्टर स्वर्गीय नागेंद्र झा की 17वीं पुण्यतिथि बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में मनी। KS कॉलेज लहरियासराय में देर शाम पहुंचे बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। शौचालय में भूसा घर से 952 बोतल शराब बरामद, पिता और पुत्र पर केस दर्ज। स्वार्ता बचपन अभियान के कार्यालय का उद्घाटन भोगेंद्र झा चौक के निकट अध्यक्ष मुकुंद चौधरी के नेतृत्व में किया गया। अब खबरें विस्तार से। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न। 25 दिसंबर को प्लस टू सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय दरभंगा के सभागार में एक दिवसीय शिक्षक संवाद सह जिला सम्मेलन की तैयारियां पूरी। MLC चुनाव में जदयू भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे शिक्षक वे उनके परिजन, रफीउद्दीन जिला महासचिव। नियोजित शिक्षक के लिए पुराने शिक्षकों वाला वेतनमान, सेवा शर्त आदि लागू करवाने के लिए जान की बाजी लगाकर सूबे में 1974 से भी बड़ा आंदोलन नीतीश सरकार के खिलाफ किया जाएगा। मोहम्मद रब्बानी अंसारी जिला उपाध्यक्ष। समान वेतन एवं सेवा शर्त शीघ्र लागू नहीं हुआ तो 75,000 विद्यालय में करेंगे तालाबंद हड़ताल। नियोजित शिक्षकों को कमजोर समझने की भूल ना करे सरकार। सभी शिक्षक सरकार के खिलाफ हो चुके हैं एकजुट। आगामी 25 दिसंबर को प्लस टू सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय दरभंगा के सभागार में एक दिवसीय शिक्षक संवाद सह विशाल जिला सम्मेलन की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही दरभंगा के कोने कोने से हजार संख्या में शिक्षक भाग ले रहे हैं। साथ ही दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय वे दरभंगा जिला के कार्यरत 50,000 शिक्षक और उनके परिजन स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले जदयू भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ वोट दे करके उन्हें हराने का काम करेंगे। अन्यथा सरकार सभी नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान व हूबहू सेवा शर्त शीघ्र देने की घोषणा करे। उक्त बातें मुख्यालय स्थित प्लस टू सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहरियासराय दरभंगा के प्रांगण में आज सोमवार को आयोजित की गई बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा के जिला कमेटी एवं प्रखंड के पदाधिकारी की विशेष बैठक में कहा। केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन एक्ट और संभावित NRC के खिलाफ आज सोमवार को दरभंगा में विरोध जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया के प्रांगण में शुरू हुआ विरोध मार्च में तकरीबन 50,000 लोगों की संख्या रही। शहर के कोतवाली OP, मौलागंज, रहमगंज, नाका 6, बाकरगंज, लोहिया चौक, लहरियासराय टावर होते हुए विरोध मार्च पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पहुंचा, जहां जनसभा हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार के नागरिक संशोधन एक्ट की निंदा की। श्री यादव ने कहा कि ये सरकार इस एक्ट के माध्यम से धार्मिक भेदभाव पैदा कर रही है। उन्होंने इस काले कानून को वापस लेने की पुरजोर मांग करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन कार्यों पर पुलिस की बर्बरता कार्रवाई की निंदा की और इस सरकार को आम आवाम को परेशान करने वाला बताया। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत करीबन 1.5 दर्जन मुस्लिम वे सामाजिक संस्थाओं वे संगठन के संयुक्त प्रबंध वे नेतृत्व में सुबह से ही दरभंगा की आम आवाम जिले के विभिन्न हिस्सों से हाथ में तिरंगा और काला कानून वापस लो की
तख्तियां लेकर किला घाट पहुंचने लगे। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र झा की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज सोमवार को बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने डॉक्टर झा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि मिथिलांचल के लोगों के दिलों पर राज करने वाला नागेंद्र बाबू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत में उनके द्वारा दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि पंडित राम नारायण झा, वरिष्ठ नेता पालन चौधरी, जीवकांत झा, राम पुकार चौधरी आदि ने नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस कार्यक्रम के बाद झारखंड चुनाव परिणाम में कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत की खबर मिलते ही सभी कांग्रेस जनों ने लहरियासराय टावर पर पटाखे जलाकर खुशी मनाया। इस मौके पर पालन चौधरी वे पंडित राम नारायण झा ने मोदी शाह की जोड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर झारखंड की जनता ने जवाब दिया है। काम कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा परिसर में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह का अभिनंदन कुंवर सिंह महाविद्यालय महापरिवार की ओर से प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्ला के नेतृत्व में किया गया। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह ने देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह आदम कद मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि मिथिला के धरती पर बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा एवं उनके नाम पर पूरे देश में प्रथम संस्था की स्थापना गौरव की बात है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह ने कहा, शाहबाद जिला और मिथिला के बीच में गुरु शिष्य का संबंध रहा है। कुंवर सिंह के गुरु मिथिला के ही पंडित भिखिया दत्त झा थे। जब 1857 में अंग्रेजों से बाबू कुंवर सिंह की लड़ाई छिड़ी तो कई राजा रजवाड़ा उनके साथ नहीं दिया था। उनके गुरु पंडित भिखिया दत्त झा के प्रेरणा और उनके दिए गए मनोबल से ही अंग्रेजों को झुकाए। मिथिला ऋषि मुनियों और गुरुओं का स्थल है। मुझे भी मिथिला के गुरु के सहयोग से ही राजनीति और सामाजिक कार्य में सफलता मिल रही है। सिमरी थाना की पुलिस रविवार की रात तेलिया पोखर से लालपुर जाने वाली सड़क किनारे सिमरी निवासी नागेंद्र मंडल के भूसा घर एवं अवधेश मंडल के शौचालय से 952 बोतल अवैध शराब बरामद किया है। मामले को लेकर 4 लोगों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अंधेरा के कारण कारोबारी घर के पिछवाड़े से भागने में सफल रहा। जब्त की गई शराब कैसीनो प्राइड के 180 ml की 887 एवं ओल्ड माउंड 3X M ब्रांड 750 ml की 65 बोतल शराब को घर के अंदर से बरामद किया गया है। थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि शराब की बड़ी खेप आने की गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई कर गृहस्वामी नागेंद्र मंडल, उनके पुत्र गुंडू मंडल तथा अवधेश मंडल के पुत्र राकेश मंडल के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। शराब कारोबारी में संलिप्त अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। सवार्ता बचपन अभियान के कार्यालय का उद्घाटन भोगेंद्र झा चौक के निकट डॉक्टर अजीत चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रभाकर झा, नटराज डांस एकेडमी के मोहित खंडेवार एवं संतोष सिंह थे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन प्रवीण राज ने किया। इस मौके पर सवार्ता बचपन के अध्यक्ष मुकुंद चौधरी ने कहा कि आज जो बच्चे स्कूल में नहीं है उनके प्रति हम सभी जवाबदेही हैं। हमारा उद्देश्य दरभंगा क्षेत्र में स्लम बस्ती में रह रहे हरेक बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। बाल मजदूरी, बाल
बाल शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना है और सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आने वाले दिनों में दरभंगा के हरेक प्रखंड में सवार्ता बचपन के केंद्र की स्थापना की जाएगी। वही पुरुषोत्तम चौधरी ने कहा, किसी भी देश की नींव वहां की बचपन होती है। सवार्ता बचपन एक अभियान है जिसके माध्यम से देश के आने वाले भविष्य को संवारने की योजना है। सवार्ता बचपन अभियान के सचिव साहिद अहमद ने कहा कि आज भी जिसके झुग्गी झोपड़े के बच्चे आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, इसके माध्यम से उन बच्चे को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर मौजूदा छात्र नेत्री प्रियंका झा, ऋचा चौधरी, जयप्रकाश साहू, कुमार सौरभ, प्रेम रंजन चौधरी, आतिश मिश्रा, राहुल शाह, विशाल चौधरी, सुमित, अंकुश शेखर, आदित्य रंजन भगत, उज्जवल कन्हैया सहित बहुत सारे युवा मौजूद थे। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।